पकड़ी है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर पहुंचा हुआ है। लखीमपुर से बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर पहुंचा हुआ है। तिकुनिया कांड को लेकर पंजाब से प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद किसानों को लेकर डीएम एसपी के साथ कलेक्ट्रेट में हो रही है मीटिंग। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डीएम एसपी के साथ कलेक्ट्रेट में मीटिंग हो रही है। मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होगा किसान प्रतिनिधिमंडल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा लखीमपुर खीरी। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तिकुनिया कांड को लेकर पंजाब से प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर पहुंचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर जेल में बंद किसानों को लेकर डीएम और एसपी के साथ कलेक्ट्रेट में मीटिंग होने की बात सामने आई है। और लखीमपुर से हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़ चुके हैं। आमिर, यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की बात सामने आ रही है, पंजाब से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे पहले ऐलान था कि आज जो राकेश जो किसान नेता है राकेश टिकैत के साथ में यहाँ पे जो किसान है जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर आएगा, लेकिन राकेश टिकैत तो नहीं आए। लेकिन अभी जो प्रतिनिधिमंडल आया है यहाँ पर किसानों की तरफ से, जो किसान लोग वहाँ पर इस मामले में जो किसान जेल में बंद है, इन सब की बातों को लेकर आकर उन्होंने आज जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा है और कहा है कि सरकार, चूंकि ये मुकदमा जो दर्ज हुआ है किसानों के ऊपर, ये पूरी तरीके से अवैध है, न नैतिकता के आधार पर न कानूनन के आधार पर, तो इसको वापस लिया जाए। और इस संबंध में जब किसान नेता से बात की तो उन्होंने कहा भी इस बात को, अभी थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। उनका कहना है कि सरकार जब भी चाहे तभी इस मुकदमे को वापस ले सकती है, इसीलिए उन्होंने एक बार सरकार से यह बात कही है कि ये मुकदमा वापस लिया जाए, ताकि जो निर्दोष किसान है वहां पर वो वहां रिहा हो सके। बिल्कुल, शुक्रिया आमिर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तिकुनिया कांड को लेकर पंजाब से प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी पहुंच चुका है। फिलहाल यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही आशीष मिश्रा ने सरेंडर किया है और अब यह प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी पहुंचा।